हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपको एक और नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको सुबह का नाश्ते का पोहा बनाने वाली हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोहा ले लिया है एक छोटा कप। इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे ताकि हमारा पोहा हार्ड ना बने, सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि मस्टर्ड 1 चम्मच, 1 टमाटर, 1 मीडियम साइज प्याज और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च चॉप कर लिए हैं और यहाँ पे पोहा भी भिगोने के लिए रख दिया है। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन। गाइस, हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है और मैंने इसमें तेल ऐड कर दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें हींग ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हींग डाल देते हैं। ये जो हमने मस्टर्ड लिया था वो हम डाल देते हैं इसी में। मस्टर्ड हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। गाइस, मैंने वही चीज़ें डाली हैं जो हर घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। टमाटर, प्याज, मिर्ची, ये सब के घरों में होता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग भी बनाइए सुबह नाश्ते के टाइम। अब हम इसको 1-2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसमें हल्का ब्राउन आ जाए। गाइस प्लीज, आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि मैं आगे कौन सी वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बन रहा है और क्या बनाऊं मैं नेक्स्ट वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्याज हमारा जब तक ब्राउन हो रहा है तब तक हम पोहे का पानी निकाल देते हैं। हमने पोहे का पानी निकाल, आप देख सकते हैं गाइस, हमारा प्याज भुन चुका है, हल्का ब्राउन आ गया है इसमें। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए ढक देंगे। ढकने से ये होता है कि टमाटर जल्दी गल जाता है, तो हम इसे ढक देते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारा गल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। पोहा ऐड कर देते हैं। पोहा को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गाइस, पोहा को फूलने रखने से, पानी में भिगो के रखने से हमारा एक ये भी फायदा होता है, अगर हम आप 1 कप फूलने के लिए रखेंगे तो वो हमारा फूल के 2 कप के बराबर हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 आदमी का रख रहे हैं
तो वो दो आदमी का बन जाता है। अब बस हम इसको कुछ सेकंड तक भून लेंगे। अब ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा कलर आया है, और ये खाने भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। प्लीज़ गाइस आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिए और खाइए और इसको एंजॉय करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो गाइस ऑलरेडी मैंने पोहा बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक पोहा बनाने में भीग चुकी हूँ। तो आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आप अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, अगर मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।